अभी दिक्कत ये हो गई कि ये जो रोड है ये बंद है, आप देख रहे हो रोड डाइवर्जन लिखा हुआ है, तो हमें उसी रोड से होके जाना पड़ेगा और हमको ये येलो वाली रोड से जाना है और ये पता नहीं कहाँ कारगिल में जाके मिल रही है, कारगिल तो बहुत दूर है अभी। बाइक छोड़ के चट्टान पर नहीं पकड़ता तो मैं खुद जाता, मैं पता था ये पकड़ करेगा आगे ये पोल पट्टी खोलेगा, मेरे को पता था। आपको दिख रहा है तगड़ा जाम है भाई, कश्मीर की अपनी एक ब्यूटी है, देख रहे हो सामने पहाड़ों का व्यू शाम का, हाय 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 क्या व्यू है यार मून का, इतना बढ़िया मून, मतलब क्या हुआ। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो ये कल रात में ले पहुंचे और ऐसी हालत हो गई कि बिल्कुल थक गए, मतलब जबरदस्त तरीके से थक गए। एक दिन में इतना ट्रैवल एडवाइजेबल नहीं है, 370 किलोमीटर दैट्स टू ऑन माउंटेन्स ऑफ रोड, प्रॉपर 100 किलोमीटर ऑफ रोड जो सोमोरीरी पैच था। एनीवेज रूम की हालत देखो आप, एक एक सामान बिल्कुल बिखरा पड़ा है, फैला दिया है बिल्कुल जिसको बोलते हैं। टाइम हो रहा है अभी 8:18। आज का जो प्लान है वो है कि आज हम जाएंगे सोनामर्ग। सोनामर्ग यहाँ से अराउंड 350 किलोमीटर दूर है और 8 घंटे का राइडिंग टाइम है, तो थोड़ा प्लान हेक्टिक हो गया क्योंकि झंस्कार हमारे पार्ट में नहीं था, हम झंस्कार चले गए, उसके बाद फोटीला भी चले गए, तो एक तो बॉडी यार थक गई है, मैं और विनय तो बहुत डाउन है आज। आज भी लंबा ट्रैवल है, कल भी लंबा ट्रैवल, अभी जितना दिन है ना हर दिन 300 प्लस किलोमीटर ट्रैवल है। अच्छी चीज़ ये कि रोड अच्छी है। रूम की अगर बात करें तो होटल का नाम है द मैत्रेय, अच्छा होटल है, अच्छा रूम है, अराउंड 3500 to 4000 रुपीज़ की प्राइसिंग है रूम की। एनीवेज चलो रेडी होते हैं, निकलते हैं सीधा सोनामर्ग के लिए, बढ़िया नज़ारे दिखाएंगे आपको कश्मीर के। यार आजकल की बिजी और हेक्टिक लाइफस्टाइल में बालों की केयर करना जितना ज़्यादा टफ उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेयर केयर के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है रेगुलर हेयर ऑयलिंग। रेगुलर हेयर ऑयलिंग ना सिर्फ आपके बालों की ग्रोथ को प्रमोट करता है, साथ ही साथ उनको डैमेज से बचाता है और आपकी जो स्कैल्प है उसको नरिश करता है। बट यार रेगुलर हेयर ऑयलिंग ना एक टीडियस प्रोसेस है और इट टेक्स वीक्स और समटाइम्स इवन मंथ्स टू सो पॉजिटिव चेंज इन द क्वालिटी ऑफ योर हेयर। तो उसके लिए मेरे को कोई ऐसा प्रोडक्ट चाहिए था जो कि हेयर ऑयल की जो इफेक्टिवनेस है उसको बढ़ा दे और साथ ही साथ मेरे को दे हेल्दी एंड थिक हेयर, वो भी महीनों के बिना इंतजार के। तो उसके लिए यार मामा अर्थ आपके लिए लेके आए हैं हेयर ऑयल बूस्टर्स की कंप्लीट रेंज, जो कि आपके हेल्दी और थिक हेयर के लिए कंप्लीट रेमेडी है। मामा अर्थ के अनियन हेयर ऑयल बूस्टर में है रेडनिसिल, जो कि आपकी हेयर स्कैल्प के जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको इंक्रीज करता है, साथ ही साथ इसमें है 5x पावर ऑफ अनियन ऑयल जो कि आपके हेयर फॉल को प्रिवेंट करता है और साथ ही साथ आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। मामा अर्थ के सारे हेयर ऑयल बूस्टर्स बने हैं लाइट वेट और नॉन स्टिकी फार्मूला से और साथ ही साथ ये हैं फ्रेग्रेंस फ्री। आप इन प्रोडक्ट्स को रेगुलरली यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये हैं मेड सेफ सर्टिफाइड, यानी कि इनमें कोई भी हार्मफुल टॉक्सिन या केमिकल्स नहीं है। तो यूजिंग मामा अर्थ हेयर ऑयल बूस्टर्स इज एक्सट्रीमली ईजी। Just take 6-7 drops of oil booster and mix it with any other hair oil. Apply the mixture on your scalp and hair and massage properly. Leave it overnight or for a few hours. Wash off with Mama Earth sulfate free shampoo. Mama Earth के सारे products leading market apps में available हैं जैसे कि Amazon and Nykaa. साथ ही साथ Mama Earth की official website और app पे भी ये products available हैं. और अगर आप मेरा code use करते हैं जो कि है Ranjan2022, तो Mama Earth की official website और app पे आपको मिलेगा 20% flat discount. Under the Plant Goodness Initiative, जब भी आप कोई Mama Earth का product purchase करते हो तो वो आपके order को link करते हैं एक tree से जो कि वो plant करेंगे. And by 2025, Mama Earth is aiming to plant at least 1 million trees under this इनिशिएटिव। सारा कुछ लोड कर लिया, आधी बाइक मैंने साफ कर ली आगे की, आधी गंदी है पीछे की, अब मन नहीं हो रहा है। ट्रिप मीटर देखो, लास्ट डे हम लोगों ने 371.7 किलोमीटर बाइक चलाई थी, इसको जीरो कर देते हैं, जीरो। अब स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट हो गई। ओवरऑल अभी तक राइड में हम लोग 2167 किलोमीटर बाइक चला चुके हैं, सारे लोग एकदम रेडी। सीजे भाई ने तो चेन क्लीन और ल्यूब भी कर ली अपनी फास्ट। आज एंट्री मारेंगे जम्मू एंड कश्मीर में, पहुंचेंगे सोनामर्ग। हालांकि सोनामर्ग बहुत दूर है बट स्टिल सबसे पहले तो पेट्रोल भराना भाई, पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म है। सवेरे सवेरे ले में लग गया जाम, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल की लाइन देख रहे हो भैया कितनी है, लोग भरे पड़े हैं बिल्कुल। देखो एक चीज़ है, अगर ले में पेट्रोल भराना है ना तो शाम में ही भरा लो, सुबह के टाइम पर रहती है काफ़ी भीड़। गुड़गांव से? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हेलो सर,
कैसे? नाइस टू मीट यू। अच्छा ओके, आप भी आ गए सर बाइक से और आपके इंसान लगे से पहचान। अरे ग्रेट ग्रेट, तो आप आज कहाँ निकल रहे हैं? मैं पेंगोंग जा रहा हूँ। आज पेंगोंग जा रहे हैं? अच्छा, हम लोग वापस जा रहे हैं अब श्रीनगर साइड से आज। मैं तो कई दिनों का पेंगोंग जाऊंगा, पेंगोंग से देखूंगा। अच्छा चलो सर, बहुत अच्छा लगा मिलके आपसे, थैंक यू। मैडम फुल कर दो पेट्रोल से। ओ भाई सामने का व्यू देख रहे हो, बादल बादल आ गए हैं मेरे बाबू। स्पीड कार वॉश, यहाँ धुलाई भी होती है भाई, फिर गंदी हो जानी विनय। रुक जाओ अल्टो वाले अंकल जी, ऊपर ही से निकालो का। अरे अरे भैया, यानी भाई तो पेट्रोल फुल है, कुछ भराना वराना नहीं है। बाय बाय ले यार, बहुत मजे आए इस बार की लद्दाख राइड भाई, कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हो गई, थक गए यार हम लोग, एग्जर्ट हो गए पूरा। ये देखो आपको बगल में दिख रहा है हॉल ऑफ फेम, जब लास्ट टाइम हम आए थे तब यहाँ गए थे, बहुत ही बढ़िया जगह है ये, जो फर्स्ट टाइम आ रहा है उनको जाना चाहिए। अंदर पूरा आर्मी का दिखाया है कि कौन कौन सी वॉर में कैसे क्या स्ट्रेटजी यूज़ करी। ये जो जगह आप देख रहे हो ये मैग्नेटिक हिल है, और यहाँ पे एक फिनोमेना काम करता है, एक्चुअली में इट्स एन इल्यूजन। लोग सोचते हैं कि ये बाइक जो है ना उल्टी डायरेक्शन में चलती है, पर ऐसा है नहीं। ये देखो लेफ्ट में आपको दिख रहा है दो नदियों का कॉन्फ्लुएंस, एक रिवर है जंस्कार, एक रिवर है इंडस, नहीं नहीं श्योक एंड इंडस। एक एक रिवर देखो बिल्कुल ब्लू ब्लू है, एक मिट्टी वाली, तो दोनों मिलके मिट्टी वाली बन जाए। हाँ नीचे भी जा सकते हो आप अगर थोड़ा डी रूट करने का मन हो तो। अभी इंडस रिवर बिल्कुल हमारे साथ साथ बह रही है और बहती रहेगी काफ़ी देर तक। वो तेज़ हवा चल रही है यार, यहाँ इतनी तेज़ हवा है कि आप मतलब हवा में ना आप थकते जल्दी हो बाइक चलाते चलाते। नॉर्मली क्या है, हवा नहीं, एक तो बाइक चलाने की अपनी हवा होती है, मतलब विंड ब्लास्ट आता है, ऊपर से अगर अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस विंड्स और तेज चल रहे हो ना, तो इम्पैक्ट जो है डबल ट्रिपल हो जाता है, तो फिर दिक्कत होती है बाइक चलाने में। यहाँ पे अभी हम एंट्री कराने रुके हैं, यहाँ से ले रीजन ख़त्म हो जाता है। पिछली बार हम लोग वहाँ जब आ रहे थे उस तरफ से, तो वहाँ पे खड़े होकर हमने एंट्री करवाई थी, तब तो कोविड वोविड का भी बड़ा चक्कर था, अभी इस बार कुछ दिक्कत नहीं है ऐसी। अभी दिक्कत ये हो गई कि ये जो रोड है ये बंद है, आप देख रहे हो रोड डाइवर्जन लिखा हुआ है, तो हमें उसी रोड से होके जाना पड़ेगा। आने वाले आ रहे हैं, जाने वाले नहीं जा सकते भैया, ये एक और लफड़ा हो गया सीजे भाई। भाई ये देख रहे हो आप, ये जो रोड, ये मेन रोड है जो जा रही है ले, और हमको ये येलो वाली रोड से जाना है, और ये पता नहीं कहाँ कारगिल में जाके मिल रही है, कारगिल तो बहुत दूर है अभी। अरे जाने कहाँ दे रहे हैं, इधर जाओ सीजे भाई, विनीत से बोलो पुलिस वालों को समझा दे कि जाने दें हमें। तो ये 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 ऐसा तो नहीं कुछ टाइम बाद ये रोड खुल जाए, ऐसा तो नहीं है भाई साहब, सब कुछ हमारे साथ ही होना है। 240 किलोमीटर का हमारा 273 किलोमीटर हो गया, एंड टाइम हैज इंक्रीज बाय 1 आवर। पहले हम 5:20 पे पहुंच रहे थे और अब हम 6:20 या 6:30 पे पहुंच रहे हैं। तो ये होता है भैया राइड पे, देख रहे हो रोड और घटिया, वो रोड इतनी बढ़िया है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, घोड़े लग गए घोड़े बिने। ये रोड कारगिल में जाके मिलेगी पता है बिने, बोल तेरी देख रहे हो रास्ते की हालत भाई, कभी भी कुछ भी हो जाता। अरे तेरी मेरी तो और बजरी बजरी भाग रही, क्या हो गया बाइक भाई, इसको और एडवेंचर, इसको अलग एडवेंचर चाहिए साला। बहुत ही ख़राब रोड है, और जो है ये हमने खतरनाक वो लिया है डाइवर्जन, और अब कारगिल में जाके उस वाले हाईवे पे मिलेंगे जो ले श्रीनगर हाईवे, इट्स द ऑर्गेनिक विलेज
टक माचिक विलेज तो दिख ही नहीं रहा, ऑर्गेनिक क्या है यहाँ पे। अरे ये विनय विनय बिल्कुल रफ्तार वो गलत, हम तो ऑर्गेनिक विलेज देखने लगे थे ना ऐसा मत बोलना हम सही जा रहे थे। अरे यार सीजे भाई क्या करवा रहे हो, ये भाई इको विलेज है गुड़गांव ले लद्दाख गुड़गांव क्या सही गांव से लेके आ रहे। इस गांव का नाम है धूमखार डोमखार। चलो भैया बस का कूलेंट लीक हो रहा है, पता नहीं कहाँ भेड़ के आए। अच्छा ऐसी जगह पे ऐसी परेशानी आ जाए तो सोचो क्या हो। कूलेंट वूलेंट भाई पता नहीं कहाँ से गाँव वाँव से ले जा रहे हैं, बिल्कुल खतरनाक। बेहतरीन व्यू तो अच्छा है, बगल में नदी बह रही है। दो मिनट के लिए चाय पीने के लिए हम लोग ना 9:30 बैठे थे, 1 बजने वाला है सेडल पे। सोचो इतना टाइम हम लोग बस 5 मिनट का एक पानी ब्रेक लिया था तब से बाइक पे ही बैठे हैं। अरे मैं थोड़ा आगे लगाऊँ मेरी बाइक रोड पे, ओ भाई थक गया यार। यहाँ पे एक छोटी सी चाय की टपरी थी वो ऊपर, वहाँ चलते हैं अभी। बाइक अपनी यहाँ लगा दी, गर्मी अच्छी खासी हो चुकी है तो भी हमने अपने अखरोट खोल लिया, चाय हमारी आ गई है। और ये देखो मैंने वाई वाई बना ली मस्त मिला के, ये भी खाते हैं। बहुत ट्रैफिक बढ़ गया अब यहाँ पे, तो भाई यहाँ से निकल लिए। और अभी अभी पता चला जब इस तरह का कोई रूट बंद होता है ना तो कभी कोई सही इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है कि क्यों हुआ क्या हुआ, बट एक लोकल बता रहे हैं कि कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है तो इस वजह से बंद है। अभी दिक्कत ये है कि वो बोल रहा है कि जहाँ से आपका मैप दिखा रहा है ना हाईवे पर मिला देगा, वहाँ से भी वो मिलने नहीं दे रहे हैं। और अब बॉय आगे है झरना नहा लिए पानी में नहा लिए। अरे मेरी पता है क्या हुआ, मेरी बाइक पानी में घुस गई। दो घंटे से खड़े हैं गाड़ी वाले, दो घंटे से खड़े हैं। दिमाग खराब हो गया यार मैंने, इसे खोल लो जैकेट को। खोल ही डाली सब पूरे बंद खोल लिए मैंने अभी। तो आज तो मेरे को लग रहा है कारगिल पहुंचना मुश्किल हो गया अभी तो। आ जाओ बाइक बंद करके। ये बताओ चट्टान पर क्या कौन सा गाना सुन रहे हो बे सजना? अरे मैं तो बोल रहा था पीछे तुम्हारे गाना चला जी, जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं, जो डाउनलोडेड चट्टान पर कहां जा रहा है तुम ये बता। अरे बाइक छोड़ के चट्टान पर। अरे तो नहीं पकड़ता तो मैं घुस जाता, हाथ लगाया मैंने ऐसे, नहीं पकड़ता तो मैं घुस जाता नीचे गड्ढे पे। स्टाइल मार दी मैंने पूरी, तुम पीछे थे ना मैं पता था ये पकड़ करेगा आगे ये पॉल पट्टी खोलेगा, मेरे को पता था। चलो 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 चलो। अरे पानी बचा है, पानी पानी है पियो। ठीक है सब, तुम लोग ये नग्न क्यों हो रहे हो सब नंगे क्यों हो रहे हो तुम लोग भाई, ये तो सही नहीं कर रहे भाई। क्या गर्दा जाम है, आपको दिख रहा है तगड़ा जाम है, खड़े ही हैं पिछले 10-15 मिनट से। फाइनली 3:03 बचे हैं, अब जाम जाके खुला है। 2:05 या 2:10 से हम लोग जाम में खड़े थे भाई साहब, बैंड बज गई। कहाँ सोच रहे थे कि सोनामर्ग जाएंगे, कहाँ अभी कारगिल पहुँचने के वादे हो गए। ये समझ नहीं आया रोड अचानक से बंद क्यों हो जाती है, मतलब फंडा क्या है इसका, जब मना है तब बंद कर दो। क्या रास्ता भाई साहब, डेंजरस जाम तो खुल गया है अभी। अरे निकलने तो ट्रक वाले अंकल जरे ससुरा फंसा दिए, पानी अलग से निकल रहा है इनका। अरे भाई साहब लीक हो रहे हैं ये ट्रक तो, भैया ट्रक वाले भैया तो लीक कर रहे हैं बहुत बुरी तरीके। अरे हटो भैया, हम भी कानपुर के चौधरी हैं, निकल के ही मानेंगे। अरे कुछ नहीं पहने, हमने जैकेट वेट खोली थी, जाम खुला हम लोग निकल गए, अब रुक नहीं सकते, रिस्क नहीं ले सकते भैया। पता लगा फिर से जाम पीछे वाला आगे आ गया तो बैंड बज जाएगी, अब सीधा आगे चलेंगे, जब कहीं बिल्कुल खाली हो जाएगा तब रुकेंगे।
भाई अभी एक ट्रक वाले ने देख रहे हो उसके टाइगर वाले के सीधा पीछे से उसके, अरे ये तो डीजी द वंडरर है, अरे ये तो वो है भाई एक्सट्रीम मोटर एडवेंचर, एक्सट्रीम मोटर एडवेंचर वाले जो भैया हैं डीजी द वंडरर, उनकी बाइक को पीछे से ठोक दिया ट्रक वाले ने। जो हम 5:30 पहुंचने वाले थे वो अब हम पहुंच रहे हैं 8 बजे, यानी इस और कहीं रुके नहीं है, आधा घंटा निकाल दो एक जगह जो ब्रेक लिया था, पूरा पूरा 2 घंटे का डिले लगा दिया इसने। बाकी नज़ारे अच्छे हैं लेकिन इस रास्ते पे, ये बात है, बढ़िया व्यू है। प्रॉब्लम ये है कि बीच में पड़ता है जोजीला पास। अब जोजीला पास रात में क्रॉस करना कितना अच्छी बात है कितना रिस्की है ये पता नहीं हमें। लो एक और पास हमने कर लिया क्रॉस, हम बुटिंगला 4024 मीटर। अब क्या ऑफ रोड आने वाला है क्या विनय? अरे यार ये देखो पूरा ऑफ रोडिंग है, मतलब जब तक कारगिल नहीं आ जाता ऑफ रोडिंग ही है कुल मिला के, है ना। ये देखो जो आपको लेफ्ट में शहर दिख रहा है ये है कारगिल शहर। भगवान के पास एक प्लान होता है जो कि आपके प्लान को फेल करने के लिए बहुत है। भगवान करो, अच्छा तुम आज ये सोच रहे हो, तुमने जैकेट साफ कर ली, तुम ये सोच रहे हो आज तुम आराम से जाओगे। रुको बेटा रुको, आज तुम्हें घुमाते हैं। ये रिवर देखो कितनी सही, पता नहीं कौन सी है। आइए आइए हबीबी, अच्छा लंच कराएंगे आपको। हवा देगी? सोचा जब आपकी आपका ये हाल था तो हमारा क्या हाल होगा। अबे कुछ ज्यादा ही तेज हवा भाई, इतनी तो बैंड बजी भैया। भाई हमारा खाना आ गया है, दाल चावल नहीं दाल रोटी और परौठे, और ये देख रहे परौठा आज जो हमने ऑफरोडिंग करी हमारे पिछवाड़े का यही हाल हो गया है ना। ये हाल कर गया, जल्दी से खाते हैं छाछ भी यार, इतनी टेस्टी छाछ 2 ग्लास पी गया मैं। हवा अभी रुक गई यार, जब हम लोग खाना खाने रुके तो इतनी तेज हवा चल रही थी, अभी हवा एकदम साइलेंट हो गई है। सरप्राइजिंगली हनी भाई मिल चुके हैं। कहाँ हनी भाई? इसे सही सही है सही है, पहचान लिया एकदम से मैं। और बताओ? हेलो सर। और बताओ कहाँ जा रहे हो आप? ले पहुँच रहे हो आज? नहीं आज कारगिल। कारगिल मरूंगा यार। नहीं ले वाला हाईवे भी बंद है आज, बहुत दिक्कत थी, पूरा ऑफ रोड करके भेजा हम लोग को वापस। हुआ क्या? कुछ था जो भी हो बंद कर रखा था हाईवे। अभी जो जिला में बहुत बारिश थी यार, हाल था। ऐसा है क्या? तो पहले पूरा भीग गया था मैं। जो जिला का हाल अभी कैसा है? रोड काफी टूटा फूटा है। ठीक है चलो फिर निकलते हैं हनी भाई, ऑल द बेस्ट, अच्छे से करके आना। ठीक है क्या दरास में रुकोगे आगे? नहीं नहीं हम सोनमर्ग जाएंगे सीधा। हाँ सोनमर्ग चलो ठीक है फिर। बाय 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 बाय। भाई कश्मीर की अपनी एक ब्यूटी है, देख रहे हो सामने पहाड़ों का व्यू, शाम का सनसेट हो गया, गोल्डन आवर। रोज हम गोल्डन आवर देखते हैं कहीं ना कहीं, बट ये व्यू स्टनिंग है यार, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं बर्फ के पहाड़, और अब धीरे धीरे ग्रीनरी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे हम श्रीनगर की तरफ बढ़ेंगे। है अब तो यहाँ से आगे बढ़ने का मन नहीं हो रहा, देख रहे हो नज़ारे खतरनाक, मतलब वो देखो दूर घर बने, इतने सुंदर लग रहे हैं देखने में, पहाड़ी हरे हो गए हैं बिल्कुल घास से। शाम का आखिरी पहर, टाइम हो गया है 7:48 किलोमीटर, हमने पूरे कवर कर लिए 300 एंड मज़े आ गए भाई, कश्मीर में एंट्री मारते ही मज़े आ गए, थकान मिट गई। तभी जोजिला सोनमर्ग रह गया है अराउंड 52 किलोमीटर, और उससे पहले हमें करना है जोजीला पास, तो भैया रात में होगा जोजीला पास इस बार। तो रात में 8 बजे हमने जोजीला पास की चढ़ाई स्टार्ट कर दी है, अभी 17 किलोमीटर दूर है जोजीला पास,
लेफ्ट में अगर आप मून देख पा रहे हो तो व्हाइट पहाड़ के पीछे मून दिख रहा है। मेरे को पता है गोप्रो सही नहीं दिखा रहा होगा, लेकिन इतना सही नज़ारा है ना व्यू है ये, क्या बात है। और अब मजे आ गए भैया। विनय बाबू चढ़वा ले जाओगे कि नहीं ऊपर जजीला में? चल रहे हैं, गाड़ी दौड़ रही है, दौड़ के मानेगी भैया। विनय बाबू ठान लेते हैं कि आज सोनमर्ग रुकना है तो रुकना है, बात खत्म। हाय हाय हाय, क्या व्यू है यार मून का, इतना बढ़िया मून, मतलब क्या हुआ भाई। पहुंच गए हैं जजीला, जजीला अल्टी, इतने जल्दी पहुंच गए यार। अरे मैं आपकी बताऊँ विनय, चढ़ाई तो अब स्टार्ट होगी भाई। हाँ ये अच्छी बना थी ये, आपको तुम्हें याद है पिछली बार उतरने के बाद ये जगह आई थी, तभी चढ़ाई बहुत भाई। लेफ्ट देखने का ही नहीं सीजे भाई। सीधा चलने का। मैं तो सीधा देख रहा हूँ बस, देख रहे हो व्यू पहाड़ का भाई, जोजीला। हाय 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 हाय, ऐसी किसी किसी प्रकार का ऐसा एडवेंचर बचा नहीं विनय, जो हमने ना किया हो, है ना। रात में पास बचा था वो भी कर लिया। सही में यार बड़ा मजा सा आ रहा है, हल्का हल्का फील हो रहा है ना सीजे में। तो भाई फाइनली हम पहुंच गए हैं सोनमर्ग और ढूंढ रहे हैं अपना होटल, कहाँ रुका जाए, क्योंकि यहाँ हमारी बुकिंग नहीं थी। टाइम हो गया है 9:30 रात का। अरे विनय अच्छी स्मेल आ रही खाने की। सीजे भाई की बाइक घुसेगी कि नहीं ये देखना पड़ेगा थोड़ा। थोड़ा सा बैग फंस रहा है आपका, आप ठीक है, ये बाहर निकल गया है ना, ठीक है। चलो भाई मैं डिसाइड कर लिया कि हम यहीं रुकेंगे। फाइनली हम लोग पहुंच गए सोनमर्ग। वो खड़ी देखो अपनी बाइक्स दिख रही हैं, ये चारों बाइक्स खड़ी, ये अपना रूम है मस्त सा। और देखो लड़के आते ही सीधा रील्स में चिपक गए हैं आगे इंस्टाग्राम। मतलब दिन भर के बेचारे तड़पे हुए लोग हैं, जैसे शाम में सीधा इंस्टा दिख जाता है। एनीवेज यार पहुँच गए सोनमर्ग, थोड़ा टफ था, थोड़ा नहीं यार बहुत टफ था। 140 किलोमीटर का पूरा डाइवर्जन दिला दिया पुलिस ने, क्यों दिलाया क्या हुआ कुछ पता नहीं है, पर ठीक है पहुँच गए, थके हारे खाना खा लिया। अभी टाइम हो गया है 12:45, तो बस यार अब सोते हैं, कल सुबह उठेंगे, कल निकलेंगे हम श्रीनगर वाले रूट पे, श्रीनगर जाएंगे, उसके बाद जम्मू जाएंगे, जहाँ तक जा पाए वहाँ तक जा पाएंगे। कल बढ़िया नज़ारे यहाँ दिखाएंगे, एक्चुअली में नज़ारे उधर बहुत बढ़िया है सोनमर्ग में, बट अभी रात है तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो कल आपको दिखाएंगे बेहतरीन नज़ारे। तो आई होप आपको आज के ब्लॉग पसंद आया होगा। अब इस ब्लॉग का ही खत्म करते, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय।